नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 86,370 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट का आकलन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारंभ होने वाली कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार है। आयुष्मान भारत योजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा सभी को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा कराई जाएगी। सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 रुपए अतिरिक्त राशि दी जाएगी लोगों को। सरकार के द्वारा 300 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना मद से कराए जाने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त शामिल किए जाने वाले परिवारों के लिए 1 लाख रुपए तक की राशि का वाहन बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा में 1 लाख रुपए से अधिक एवं 5 लाख रुपए तक की राशि में से 50% राशि लाभुक परिवार द्वारा इलाज के उपरांत अस्पताल को डिस्चार्ज के पूर्व भुगतान की जाए तथा अवशेष 50% राशि भारत सरकार द्वारा अस्पतालों को भुगतान की जाएगी। इस तरह राज्य की 92% जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित हो जाएगी। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना ये नया है। सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना प्रस्तावित, मतलब सभी को दिया जाएगा। पहले होता था एससी को ओबीसी को नहीं, सबको किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त राशि, आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा मिलता है, हमारी राज्य सरकार 50,000 अतिरिक्त देगी पैसा। अगर 2 लाख मिलता है तो 2.5 लाख, 50,000 जोड़ दीजिए तो 2.5 लाख हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 2021 में स्वीकृत किए जाने वाले आवासों के लिए राज्य सरकार के द्वारा अपने कोष से 50,000 रुपए का अतिरिक्त राशि प्रत्येक घर को दिए जाने का प्रस्ताव सत्ता से लिया। इसके अलावा साथ ही लाभुकों को झारखंड की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए स्थानीय तरीके से घर बनाने की छूट दी जाएगी। अभी क्या है, 8x8 अगर कमरा बनाना है प्रधानमंत्री में तो नहीं बना सकते, नहीं बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हमारा है कि अगर आप प्रसिद्धि है आपको 8x10 बनाने का जो बनाते हैं हम लोग, या 10x10 का तो भी बना सकते हैं। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली सरकार के द्वारा 300 यूनिट से कम, ध्यान रखिएगा 300 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 300 से कम जो करेंगे उनको, ज्यादा बढ़ जाएंगे तो नहीं। प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में कैंसर, किडनी एवं लिवर रोग के इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 50 वर्ष से ऊपर 10 लाख छूटे हुए लोगों को अतिरिक्त राशन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। बेरोजगार युवक युवतियों, जो राज्य के वैसे बेरोजगार युवक हैं जिन्होंने विगत 3 वर्षों के अंदर डिग्री प्राप्त की है, उन्हें 5,000 रुपए तथा 7,000 रुपए प्रति वर्ष सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत राज्य के स्वीकृत 377 दाल भात केंद्रों पर 5 रुपए की दर से गरीब व्यक्तियों को एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। जिला स्कूलों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में कैंसर, किडनी, गंभीर लिवर रोग के इलाज की सुविधा,
8 लाख रुपए वार्षिक आय तक के सभी परिवार को देश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में कैंसर किडनी एवं गंभीर लिवर रोग के इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जब इलाज पर होने वाले पूरे खर्चे का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। पहले था सरकार ने कितनी 72,000 दिन की आमदनी के उनको दे दे सका, अभी कम लोग उसमें गरीबों को होता दिक्कत थी या अपील कैटेगरी की बहुत दिक्कत होती थी। फिर 8 लाख रखे, 8 लाख तक के आमदनी वाले लोगों को इसमें लगता है सभी लोग आराम का ध्यान तो हम लोग कैंसर किडनी गंभीर लिवर रोग के इलाज की मुफ्त सुविधा देंगे, सरकार पूरा खर्च वहन करेगी। 50 वर्ष से ऊपर के 10 लाख छुटे हुए लोगों को अतिरिक्त राशन, आप गांव देहात काफी जाते हैं आपको भी बोलता होगा लोग देखिए बाबू आपको राशन कार्ड भी नहीं है ना, बगल वाला जो पक्का का मकान है राशन कार्ड है, आप गरीब हैं टोकरी में रहते हैं राशन कार्ड। इस बार क्या कर रहे हैं कि 50 से ऊपर जितने भी हैं लोग 10 लाख लोगों को हम राशन कार्ड से जोड़ेंगे। इसके अलावे जो गलत तरीके से राशन कार्ड ले लिए हैं उनको तो कैंसिल कर ही रहे हैं, तो संख्या बढ़ेगी 10 लाख तक, लगता है कि 4 लाख 5 लाख बढ़ेगी तो 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ेंगे। ये गरीबों के हित में बहुत बड़ा फैसला सरकार का। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना, राज्य की 75% की आबादी कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर निर्भर है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। ऋण के बोझ से दबे किसान जिनकी आय का बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में चला जाता है के लिए राज्य सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। बेरोजगार युवक युवतों को सहायता राशि हम लोग बराबर करते रहते थे। बीते वर्ष 20-21 में राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। राज्य के वैसे स्नातक स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर बेरोजगार युवक जिन्होंने विगत 3 वर्षों के अंदर डिग्री प्राप्त की एवं जो राज्य के योजनाओं में निबंधित हैं और प्रयास करने के बावजूद बेरोजगार हैं, उन स्नातकोत्तर युवकों को 2 वर्ष के लिए क्रमशः 5,000 रुपये तथा 7,000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 20-21 में 146 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 377 दाल भात केंद्रों पर 5 रुपए के दर से करीब गरीब व्यक्तियों को एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इन केंद्रों को अधिक व्यवस्थित करने के लिए एवं इनका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण केंद्रों पर करने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपए की उपलब्ध के साथ मुख्यमंत्री कैंटीन योजना प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव। छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा ध्यान देने जाता है। महिला सशक्तिकरण के तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त में राज्य के तकनीकी शिक्षा के प्राप्त सुनिश्चित कराने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव। जिला स्कूलों का आधुनिकरण, प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय, प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय को उत्कृष्ट कोटि की आधारभूत संरचना, लैब, पुस्तकालय, डिजिटल वर्कर्स, पर्याप्त कंप्यूटर तथा गुणवत्तापूर्ण विषयवार शिक्षकों को उपलब्ध कराकर गुणवत्त शिक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस कार्य हेतु 240 करोड़ रुपए के बजट का उपलब्ध। कैमरामैन विजय के साथ मैं निखिल राज, लाइव अपडेट्स के लिए देखते रहे पॉलिटिकल फ्रेंड्स।